दोस्तों अगर आप एक IPL फैन हैं तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IPL 2023 की ऑक्शन कब देखने को मिलेगा, कब से शुरू होगी IPL 2023, ट्रेड विंडो कब से शुरू होगी और भी कई सारे अपडेट्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपके पसंद IPL टीम कौन सा है नीचे कॉमेंट करके वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें ट्रेड विंडो के बारे में, तो ट्रेड विंडो ऑलरेडी चालू है, टीम्स आपस में प्लेयर्स ट्रेड कर सकती है और कुछ असफल ट्रेड्स के बारे में किकबज द्वारा अपडेट्स भी मिला है। जी हाँ दोस्तों, जानने को मिला है रविंद्र जडेजा के लिए दिल्ली कैपिटल्स काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन CSK ने साफ तौर पर ट्रेड करने के लिए मना कर दी है। रविंद्र जडेजा को नहीं छोड़ने वाली है, फिलहाल तो कोई भी सक्सेसफुल ट्रेड अभी तक नहीं हुआ है और ये ट्रेड विंडो ऑक्शन शुरू होने से ठीक 7 दिन पहले बंद हो जाएगी। तो अब ऑक्शन डेट्स के बारे में बात करें तो एज पर रिपोर्ट IPL 2023 में मिनी ऑक्शन होने वाली है और मिनी ऑक्शन दिसंबर 2022 के महीने में देखने को मिलेगा। टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करें तो 16 दिसंबर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर 2022 को IPL 2023 की मिनी ऑक्शन होते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकता है और इस साल पर्स बैलेंस में भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब लोगों को बता दूं, 5 करोड़ ज्यादा दिया जाएगा टीम्स को, यानी कि अब टीम्स 90 करोड़ नहीं बल्कि 95 करोड़ लेकर ऑक्शन में उतरेगी। हो सकता है IPL 2024 में ये 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों आखिर में बात करें IPL 2023 कब से शुरू होगी, तो IPL 2023 हम लोगों को मार्च 2023 में देखने को मिलेगा, 23 मार्च या तो 24 मार्च से शुरू हो जाएगी IPL 2023, ऐसा अपडेट सामने आई है। तो IPL 2023 को लेकर जो जो अपडेट्स था मैं आप लोगों को बता दिया। आप कितना एक्साइटेड है IPL 2023 की ऑक्शन के लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।